यमुनानगर में आर्थिक अपराध शाखा को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां आर्थिक अपराध शाखा ने ऐसे दो लोगों को गिरफ्तार किया है जो अपने आप को पीडब्ल्यूडी विभाग का कर्मचारी बताकर बेरोजगारों से पीडब्ल्यूडी में नौकरी दिलवाने के नाम पर लाखों रुपए वसूलते थे। ईओडब्ल्यू इंचार्ज सोमवती ने बताया कि अभी तक ऐसे 45 लोग सामने आ चुके हैं जिन्होंने अपनी नौकरी दिलवाने के लिए 1 लाख से 5 लाख तक की राशि दी थी। अब इन दोनों को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि उनसे बेरोजगारी के लिए लिए गए दस्तावेज और राशि बरामद की गई वसूली जा सके और साथ ही साथ पुलिस इस पर आगे कार्रवाई में जुट गई है। बेरोजगार बच्चों से पीडब्ल्यूडी में नौकरी लुवाने की है, उन्होंने धोखा दिल से पैसे हड़प लिए हैं और उनको आश्वासन देते रहे कि भी आपको हम पक्की नौकरी लगवा देंगे। सड़कों पर घुमाया बच्चों को, बेरोजगार बच्चे थे वो, और इस मामले में इनको दोनों को गिरफ्तार किया गया, आज इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। सर कितने बच्चों को ठगा और कितने का मामला है? अभी तक जो बात सामने आई है वो 40-45 बच्चों का मामला आया है, लेकिन जो जो अभी 25 में सामने आ रहे हैं उनको हम सामने तो पूछ रहे हैं।